अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आया, जो कि बैट फॉर गेमिंग थे, बैट फॉर बीस शायद उन्होंने कहा था भाई टेस्ट करना, तो जरूर भाई आपके लिए टेस्ट हाजिर है। ये देख लो मेरी एग्जैक्ट 3 है सोनी का, और अब मैं इसके FPS ऑन कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाएँ कि मेरे पास कितने FPS एट अ टाइम और कितने पिंग आ रही है। तो चलो चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इंशाल्लाह कल से यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो स्नैपड्रैगन 855 बेहतरीन डिवाइस, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी, बस वीडियो को पूरा देखना है। और आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सबके जवाब मिलेंगे। तो पहले मैं FPS ऑन कर लेते हैं, FPS को गौर से आप देख जी। पहले मैं कलर विजिबल कर दूँ, ये रेड रेड जो है ऊपर वाला FPS दिख रहे हैं और नीचे वाली पिंग आ रही है। अब चले आ जाए गेम की तरफ, चलते हैं। तो भाई हम अब अपने गेम में आ चुके हैं, गेम लोड हो चुका है, और जिनके पास लो एंड डिवाइस है उन्होंने नोट किया होगा कि गेम काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो चुका है, वरना आम अमूमन तौर पे इतनी जल्दी स्टार्ट गेम नहीं होता, लेकिन ये गेम की हम लॉबी में आ चुके हैं। टाना देखा भाई को मानते हो तुम लोग यार, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो भाई। अच्छा तो ये पहले देख लो, स्मूथ एक्सप्रीम पर मैं खेलता हूँ, बैलेंस अल्ट्रा HD अल्ट्रा HDR अल्ट्रा, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। HDR अल्ट्रा पे 60 FPS भी फिक्स है, और मसला क्या है, अगर आप HDR अल्ट्रा पे 60 FPS के साथ खेलोगे ना तो डिवाइस हीटअप ज़्यादा होता है, मतलब जो सच्ची बात बताऊँगा 50 सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर। तो मेरी मानो तो अगर आप इसको स्मूथ पे और एक्सट्रीम रख के खेलोगे तो बेहतरीन मोबाइल चलेगा, FPS 60 आएंगे, गेम प्ले और अच्छा होगा, कलर और हर चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आएगी, पिंग भी सही आएगी, क्योंकि जब हम HDR करते हैं तो पिंग हमारी ज़्यादा कंज्यूम होती है, और FPS भी और बैटरी भी हर चीज़ हमारे पे ज़्यादा उस लिहाज से कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, इसलिए डिवाइस ही जब, लेकिन अभी अगर आप इसको स्मूथ एक्सपीरियंस रख के चलाओगे तो बेहतरीन काम करेगा ये मोबाइल। FPS आपके सामने 69 FPS है, हाँ 60 FPS तो किसी डिवाइस में आते ही नहीं, 69 FPS लास्ट होगा। अब इस पिंग आ रही है, अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद HDR पे करूँगा, देखना पिंग भी आपकी बढ़ जाएगी और FPS ये रहेगी, पर पिंग बढ़ जाएगी और मोबाइल हीटअप हो जाएगी। ये अब आप देखते हैं भाई, ये हमारा चल रहा है हमारे साथ, बहुत बहुत प्यारा गेम प्ले चलता है, कोई मसला नहीं। ले लो पहली फुर्सत में ये वाली डिवाइस आप लोग, अब जैसा कि आप देख रहे हैं तो पहले सॉरी पहले ये HDR पे था, और अब ये सिंपल स्टूडेंट का था क्या भाई, बिल्कुल भी सकते। और अब ये आप देखेंगे पूरा पूरा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपके साथ थोड़ी देर में मिलता हूँ। Reloading.
अब एक सेनोक लगाएंगे और बूट कैंप पे उतरेंगे। अब जिनके पास लो एंड डिवाइस है, 4GB वाली डिवाइस है जिनके पास, ये भी 4GB लेकिन जिनका प्रोसेसर थोड़ा कमज़ोर होता है, वीवो हो गया और इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, इनके वाले जो मोबाइल वाले बंदे, अब आप लोग देखना कि ये बूट कैंप पे जब हम लोग जाएंगे तो आपको मैं भी कह रहा हूँ आप अपनी डिवाइस लें और अभी बूट कैंप पे जाएँ, पास चल जाएगा कि कितना आपको नज़र आता है कितना नहीं आता है। जब मेरे पास लो एंड डिवाइस थी तो यकीन करो बूट कैंप पे जैसे उतरता था तो सब कुछ लैग हो चुका होता था, कुछ भी नज़र नहीं आता था। कोई 7-8 मिनट के बाद जाके या तो मैं मरा हुआ होता था या फिर मुझे नज़र आता था तो पूरा बूट कैंप खाली है, मैं हूँ और जिसने सबको मारा है एक वो है, ऐसा होता था। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ चूँकि मैं जल्दी जल्दी घुमाऊँ, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखा दूँ क्या सीन है क्या नहीं है, आपको डिवाइस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बहुत सस्ती डिवाइस है और बेहतरीन, और मैंने लाइव स्ट्रीम भी इस पर करके देखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेहतरीन लाइव स्ट्रीम के साथ ये डिवाइस चली है। क्योंकि हम बूट कैंप जा रहे हैं, बस मेरा गेम थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे मार खा जाता हूँ, वरना डिवाइस में खैर कोई कसर नहीं है और इसमें खेलने में मज़ा भी आता है क्योंकि जायरो ऑलवेज है और बहुत चौकस जायरो है। अब जब आप देख लें तो गेम प्ले में आपको दिखाऊंगा बूट कैंप, इसमें देख लें अगर आपको लग रहे हैं कि ये बंदे भी कम हैं, इस जो एकदम जो स्क्वाड जा रहा था पूरा लैग हुआ हुआ था, हम भी कभी ऐसे जाते थे, हम ऐसे जाते हैं कि चौकस। तो यहाँ हम जल्दी से आए हैं, गन वन पिक किए हैं, गन उठाई है हमने, हम आगे जा रहे थे कि बंदे देखें बंदे कहाँ हैं, इधर उधर गोलियाँ चल रही हैं बूट कैंप पे, लेकिन आप देख लें एक इंच भी लैग हुआ हो पीडीएम में भी और बूट कैंप में भी, होगा ही नहीं लैग। जब मैं यहाँ पे था तो मुझे ये बंदा ये देखें, मुझे दरवाजे ग्लिच होता हुआ नज़र आया तो मैंने चलो रश करते, मेरे पास वेस्ट हेलमेट नहीं है। ये होता है 60 FPS का कमाल, इसको कहते हैं मैं FPS, अगर मैं 30 FPS वाला होता तो मर जाता। अब उसके सामने वाले के FPS कम थे, मेरे FPS ज़्यादा थे, मेरी गोलियाँ ज़्यादा जाके लगी और मैं जीत गया। FPS का गेम ये वाला होता है, जिनको नहीं पता FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड में आपके पास कितने फ्रेम आएंगे, किसी के पास 15 फ्रेम आते हैं, किसी के पास 60 फ्रेम आते हैं, किसी के पास 120 फ्रेम आते हैं, तो ये सारी गेम फ्रेम की। ये पहला गेम था इससे मर गया, अब दूसरे गेम में देखना कितने ही बंदे आएंगे। सर ये देख रहे हैं आप पूरी लॉबी, हर घर में भी अगर एक एक बंदा जाएगा फिर भी तमाम बंदे बाहर खड़े होंगे, इतने बंदे हैं। तब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइस आपको लेनी चाहिए नहीं चाहिए। ये जोनी एक्स सोनी एक्स जेड थ्री 464 स्नैपड्रैगन 865। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह कस्टम रूम वस्टम सब चलेगा, बस स्ट्रीमिंग के बाद स्टार्ट होंगे तो मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।